राजनीति टाइम वोटों के टाइम पर आ जाते हैं, भीड़ पीछे कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है किसी का धरातल से, प्रधान हो, BDC हो, क्षेत्र पंचायत कोई भी हो। पढ़ाई का यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, सारा पैसा अंदर कर रहे, खा रहे, नाम ले रहे हैं BJP वाले हैं, किस बात का वोट इनको, एक वोट नहीं मिलता है। तो अभी तो विकास पूरा नहीं हुआ है। जो योजनाएं बनती हैं, क्या वो फाइलों में ही बनती हैं कि पहाड़ में दिखती हैं? नहीं, पहाड़ों में बहुत कम दिखने को मिलती है। यहाँ से लोगों को आधी रात में देहरादून को ले जाना पड़ता है, हिमालय में देहरादून जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ गांव में कोई सुविधा नहीं है। टीवी न्यूज वायरस आज पहुँचा है देहरादून से कई किलोमीटर दूर धारकोट इलाके में। हम आपको ये दिखाना चाहते हैं, जो हमारे दर्शक हैं देश दुनिया में, वो ये देखें कि इन दिनों उत्तराखंड का मौसम कैसा है, यहाँ की वादियाँ कैसी हैं। इन सब के बीच में जो सियासत है, उसकी जो आहट है धीरे धीरे चुनाव को लेकर, वो गर्माहट पैदा कर रही है। इसलिए हम पहुँचे पहाड़ों में ये जानने के लिए कि उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो असल के लोग हैं, पहाड़ों में रहते हैं, चुनाव आ रहा है, क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर। तो जो गर्माहट सियासत की है, वो ठंडे पहाड़ों में उसकी आहट कैसी है, ये हम जानेंगे यहाँ के बुजुर्गों से, यहाँ के असल वोटरों से, जो बहुत मुश्किलों के साथ चुनाव के दौरान एक एक वोट देकर अपने नेता को चुनते हैं। तो आइए हम धारकोट में रहने वाले रमेश जी से बात करते हैं, वो बताएंगे कि असल में जो उत्तराखंड में पहाड़ की राजनीति है, वो क्या सिर्फ देहरादून तक ही सीमित है? रमेश जी, जो असली राजनीति है पहाड़ की, वो तो पहाड़ में ही होती है। जो पहाड़ का वोटर है, चुनाव करीब आ रहा है, किस तरह से सोच रहा है, क्या उसकी तैयारी है? सोच कुछ नहीं रहा, लोगों का एक ही मकसद है कि मोदी को वोट देना है। लेकिन मोदी क्या करेगा, क्या आदमी, जब सारे जनता तो बेकार रही है, राजनीति टाइम वोटों को टाइम पर आ जाते हैं, भीड़ पीछे कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है किसी का धरातल से, प्रधान हो, BDC हो, क्षेत्र पंचायत कोई भी हो। अभी कुछ साल पहले देखो ये काम चल रहा है, यहाँ जलागम का काम है ना, ये 2 साल इसमें प्रधान से लग चुका है, कहाँ पता है वो पैसा, इसमें पिछले साल का 1 लाख रुपये कहाँ बर्बाद हुआ, सारा पैसा अंदर कर रहे, खा रहे, नाम ले रहे हैं बीजेपी वाले हैं, किस बात का वोट इनको, एक वोट नहीं मिलता इनको। हम समझ गए हैं, वोट हर साल देते हैं, हर 5 साल में हमारे 3 वोटर हैं, तीनों वोट जाते हैं। अच्छा, आपने सोचा था कभी कि 5 साल के लिए सरकार आप चुनते हैं, वोट देते हैं, 3 मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और तीनों का जो है ऐसा काम होता है कि आप जैसे वोटर हैं वो गुस्से में हुए? तो गुस्से में तो आएगा आदमी, देखो हमने एक को चुनकर भेजा था ना, अब 3 दिन आ रही है, हमारे ठेकेदार थोड़ी है, ये क्यों ऐसा गड़बड़ कर रहे हैं, क्यों चोरी कर रहे हैं, खा रहे हैं, तिरुवेंद्र ने जमीन ले रखे सामने, यहाँ ये उसमें वो भी है, पंवार भी है, सारे जमीन, अब ऐसा ही जाँच हो रही है, क्या हो रहा है उसमें, क्यों कर रहे हैं ऐसे काम, जनता का पैसा मजाक बना, बाप का पैसा है क्या वो, इनके बाप का है क्या वो, बताओ आप किसका पैसा हो, जनता का पैसा है ना, हमारा खून चूस करके सिलेंडर कर दिया उन्होंने 1000 रुपये का, ठीक, कहाँ से लाएगा ये आदमी बताइए, हमारी कोई नौकरी नहीं, चाकरी, मजदूर आदमी है, खेती में कुछ हो नहीं रहा है, कहाँ से लाएगा कोई आदमी, बताइए आप, ये ज़मीन खरीदना हमारे पैसे से क्यों कर रहे हैं ऐसा काम, धरातल पर रहो, तरीके से रहो, तरीके से खाओ, तरीके से वोट मिलेगा, एक आदमी चुन के भेजा करो ना तुम। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब से यहाँ मुख्यमंत्री बन के गए, दोबारा यहाँ नहीं आए, उससे पहले वोट मांगने घर घर गए थे, हाँ जहाँ जोड़ो, हाँ जी दे दो जी, कर दिया, आज तक यहाँ दोबारा नहीं आए यहाँ पर। बिल्कुल 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 आप सही बात कह रहे हैं। देखिए, ये पहाड़ में अगर जो सियासत है उसको आपको समझना है, तो आप देहरादून की जो सड़कें हैं चमचमाती स्मार्ट सिटी, वहां पर बैठ के आप तय नहीं करेंगे। अगर आपको देखना है कि 2022 को लेकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा जो दावे कर रही है उसकी असलियत क्या है, तो आपको पहाड़ पे आना पड़ेगा, क्योंकि जो पहाड़ का वोटर है बड़ी संख्या में वोट करता है, उम्मीद रखता है कि जो देहरादून के सचिवालय में बैठे हुए शासन के अधिकारी हैं, वो विकास की जो बातें करते हैं, फाइलों में जो योजनाएं बनाते हैं, वो धरातल पर उतरेगा, पहाड़ पर चढ़ेगा। पहाड़ों में रोजगार कैसा है, क्योंकि पलायन बड़ी समस्या है यहाँ पर, कोरोना के दौरान भी लोग अलग अलग राज्यों से वापस अपने राज्य आए, तो क्या सरकार उनको रोजगार से जोड़ पाई, जो तमाम योजनाएं हैं क्या वो बन पाई? आप बताइए, जो आप 5 साल वोट देके सरकार को चुनते हैं, आपको लगता है कि सरकार उसमें कामयाब होती है, आपके वोट का जो आपको फायदा मिलना चाहिए वो मिलता है? पूरा तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी जो है काफी कुछ हद तक मिलता है। कोरोना काल में जो है परेशानियां तो हुई, लेकिन सब ठीक है इधर। अच्छा, और क्या होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ में जो पलायन बड़ी समस्या, युवाओं को नौकरी रोजगार, जो योजनाएं बनती हैं, क्या वो फाइलों में ही बनती हैं कि पहाड़ में दिखती है? नहीं, पहाड़ों में बहुत कम दिखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ रोजगार का कोई साधन है नहीं, कहीं कोई कल कारखाने कुछ थोड़ा बहुत तो युवाओं के लिए मिल जाए तो बाहर ना जाए, और सबसे पहले पढ़ाई का यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है नज़दीक, यहाँ से देहरादून जाओ या डोए वाले जाओ, इधर से इधर कहीं डिग्री कॉलेज नहीं है, अब बच्चों को हाई स्कूल 12वीं करो उसके बाद फिर कहाँ जाएँ,
ये समस्या है यहाँ। डिग्री कॉलेज नज़दीक थानों भी हो जाए तब भी ठीक है। आपको क्या लगता है चाचा, आप तो बहुत बार वोट दे चुके हैं, आपकी उम्र लंबी हो गई है, बहुत बुजुर्ग हैं आप, क्या राजनीति जो उत्तराखंड में पहाड़ की है वो सही चल रही है? हाँ ठीक ही है, दोनों में टक्कर है, कांग्रेस में और बीजेपी में। इस समय अगर हमारी विधानसभा डुवाल है इसमें जो है ना टक्कर दो पार्टी की है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इनकी टक्कर है। केजरीवाल का नाम सुना है आपने? ना, केजरीवाल का तो यहाँ बहुत कम है, केजरीवाल का ना के बराबर है केजरीवाल का। बाकी दो ही पार्टी हैं जो मतलब आपस में, जो कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, पर इस समय ऐसा लग रहा कि एक सरकार बननी मुश्किल है। मिली जुली सरकार। अच्छा, 5 साल में 3 मुख्यमंत्री, आपने कभी सोचा रहा होगा कि छोटे से राज्य में 3 मुख्यमंत्री बन जाएंगे? ना, ऐसा कभी नहीं सोचा था। पर अब राजनीति है उनकी, विधायकों की क्या हुआ है कैसे है पता नहीं है, पर इन मतलब जो मुख्यमंत्री में से बदले गए हैं ना, उनमें से जो यह इस टाइम पुष्कर धामी आए हैं, जो इस सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं। चलिए, पुष्कर सिंह धामी से इनको जो है कोई शिकायत नहीं है क्योंकि वो युवा भी हैं। आप बताएंगे, आप लोग वोट देते हैं पहाड़ के विकास के लिए, तरक्की के लिए, नौकरी रोजगार जो बात की जाती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, बेटियों के स्कूलों की बात की जाती है, सब बढ़िया आपके? हाँ जी, हमारे यहाँ तो बच्चे हमारे इधर ही आते हैं, धारकोट में ना, प्लेट से हैं, ग्राम लड़ोकोट ग्राम सभा है जो है, बच्चे हमारे यहाँ यहीं से आते हैं, धारकोट जूनियर में भी है, प्राइमरी का स्कूल उधर है। रोजगार की क्या हालत है? रोजगार तो जो है सब की, अब जो ग्राम पंचायत में आता है वो इसमें हो जाता है कभी पूरा काम, तो किसी का आज तक तो खैर होता नहीं है, पर यह कि अगर हमारा नाम आ गया मनरेगा में आ गया तो उसमें जो है हमें काम मिल जाता है। आप बताइए, आपको लगता है जो पहाड़ को लेकर एक कल्पना की गई थी 20 साल पहले कि उत्तराखंड बनेगा, विकास होगा, 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बन गए, 11 से ज़्यादा मुख्यमंत्री 20 साल में बन गए, क्या सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक बनते हैं या विकास के लिए? देखिए, जो संकल्पना उत्तराखंड की रखी गई थी नींव, वो सच्चे दिल से और सच्चे लोगों ने रखी थी। विकास कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, किस दिशा में जा रहा है, क्या दशा है, इस पर हम ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, होना क्या चाहिए, सुझाव क्या है आपका? सुझाव तो अभी तो विकास पूरा नहीं हुआ है, विकास के लिए योजनाएं बनती हैं, बनानी चाहिए, सहेद तहे दिल से बनानी चाहिए, ईमानदारी से बनानी चाहिए, और जनता का फीडबैक नहीं लोगे तब तक सफल नहीं हो पाओगे। हरीश रावत बड़ा चेहरा है। हाँ, चेहरा तो अच्छा है भाई, चेहरा तो बढ़िया है, जब वो केंद्र में मिनिस्टर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं और यहाँ भी मुख्यमंत्री रहे हैं, काम किया उन्होंने, तो चेहरा तो बढ़िया है। हंसु देवी जी हैं जो बताएंगे कि जो यहाँ के सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर जो प्रसव वाली समस्याएं पहाड़ में अक्सर देखते हैं, आपकी गर्भवती महिलाओं को दिक्कतें होती हैं, वो मजबूर हो जाती हैं बड़े अस्पतालों, प्राइवेट या देहरादून के अस्पतालों में जाने के लिए। आप बताइए, जो सरकारी अस्पतालों में महिलाओं को जो प्रसव होता है तो क्या सुविधाएं गांव में नहीं मिल पाती, इसलिए मजबूरी में उन्हें देहरादून जैसे शहरों में जाना पड़ता है? नहीं सर, यहाँ गाँव में कोई सुविधा नहीं है महिला उसके लिए, प्रसव के लिए। यहाँ से लोगों को आधी रात में ही देहरादून को ले जाना पड़ता है, हिमालय ने देहरादून जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ गांव में कोई सुविधा नहीं है महिला प्रसव के लिए। और जैसे यहाँ स्कूल है, स्कूल प्राइमरी स्कूल सरकारी स्कूल है, यहाँ के बच्चे सब यहाँ से थानों जाते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ स्कूल में टीचर इंग्लिश की पढ़ाई के चक्कर में, क्योंकि हमारा सरकार से यही वो है कि सब बच्चों को प्राइवेट सरकारी स्कूल में भेजे, क्योंकि जब बच्चे सब सरकारी स्कूल में जाएंगे तभी सरकारी स्कूल की मान्यता बढ़ेगी, सरकारी स्कूल की मान्यता खत्म हो चुकी है क्योंकि सब प्राइवेट स्कूल में भेजने की वो है। अच्छा, आपका जो ये गांव है किस विधानसभा में है, यहाँ का विधायक कौन है और उनका कामकाज कैसा रहा? यहाँ का विधायक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी रहे हैं, अभी विधायक अब हैं, पहले मुख्यमंत्री थे। कामकाज क्या का अच्छा, 5 लगभग 4 साढ़े 4 साल वो रहे, कभी यहाँ आए, कभी आप लोगों से मिले, कभी समस्याएं पूछी, कुछ हुआ? नहीं सर, यहाँ गांव में तो नहीं आए, कभी मिलने जाते थे तो थानों या डोई वाले बुलाते थे जब कभी फंक्शन होता था, पर गांव में नहीं आए, गांव में उस टाइम आए थे जिस टाइम चुनाव था। यानी कि वोट मांगने आए, समस्याएं जानने कभी नहीं आए? ना, उसके बाद भी कुछ नहीं आए। तो आपको शिकायत रहती है कि जब आप वोट देते हैं, नेता चुनते हैं, वो सरकार में आ जाते हैं, फिर वो कभी गांव नहीं लौट के आते, गुस्सा आता है? गुस्सा तो हर किसी को आता है सर, जब गांव में लोग वादा करके चले जाते हैं फिर दोबारा मुड़ के नहीं देखते, फिर 5 साल बाद अब चुनाव का वो सीजन आ गया, अब तो लोग आएंगे गांव में, पूछेंगे कि क्या क्या परेशानी है।
देखिए ये प्रधान जी हैं, महिला प्रधान है, नारी शक्ति पहाड़ में बहुत मजबूत है, लेकिन अब आप ये समझिए कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो गांव में वोट मांगने आए लेकिन उसके बाद कभी नहीं आए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ की जनता कह रही है। जनता की और क्या समस्या है ये जानने के लिए आपको खुद जनता के बीच जाना पड़ेगा। हम बात करते हैं लोगों से, ये बताइए यहाँ पर जब आप लोग को रात में दिक्कत परेशानी होती है, जानवर हैं, तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, तो साधन क्या है, आप लोग शहर कैसे जाते हैं? साधन क्या होना सर, यहाँ पे गाड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, बुकिंग करनी पड़ेगी गाड़ी, तब जाना पड़ेगा शहर में, देहरादून डोईवाला थानो। अच्छा, जब सरकारी अस्पतालों में जाते हैं आप, आपके घर की महिलाएं हैं, बच्चे होते हैं, या कुछ अचानक किसी को चोट लग जाए या कुछ हादसा हो जाए, तो अस्पतालों में यहाँ के गाँव के आसपास कुछ ऐसी सुविधा है कि आप लोग बच जाएं? कुछ भी सुविधा नहीं सर यहाँ पे, कोई भी सुविधा नहीं यहाँ पे, ना तो यहाँ पे डॉक्टर है, बना रखा उन्होंने थोड़ा बहुत दो तीन बेड करना यहाँ पे, लेकिन उसमें कोई सुविधा नहीं है, डॉक्टर बैठते नहीं है। शिकायत क्या है आपको सरकार से? सरकार से जैसे रोडों में रोड भी नहीं सही तरीके की यहाँ पे, और भी स्कूल में स्कूल भी सही तरीके के नहीं है यहाँ पे, बहुत सी समस्याएं होती है यहाँ गाँव में, जैसे अस्पताल नहीं है। अच्छा, छोटा सा ये राज्य है उत्तराखंड, 70 विधानसभा है यहाँ पे, 5 साल के लिए जब आप सरकार चुनते हैं तो क्या आपको लगता है कि 3 मुख्यमंत्री बदल जाएंगे और फिर जनता ये नहीं तय कर पाती कि वो आखिर चुनना किसे चाहती है? आपने जिसे चुना वो बदल गया, फिर और बदल गया, फिर एक और आ गया। लेकिन यहाँ पे तो ऐसी समस्या है ना कि किसी को भी बना दो, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दो ही पार्टियाँ हैं यहाँ पे, काम तो कोई नहीं करता नहीं, वो तो अपने वोट लेते हैं चले जाते हैं। दिलचस्प ये खबर है और ये जानना भी जरूरी है कि आखिर जो पहाड़ के लोग हैं उनके मन में क्या है, उनके मन की बात क्या है, ये हमने जानी। कारवां ये आगे भी जारी रहेगा, सिलसिला पहाड़ पर लोगों की नब्ज को टटोलने का जारी रहेगा। इस एपिसोड में इतना ही, कैमरामैन इमरान के साथ आशीष तिवारी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।